भिवानी में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब यह आंकड़ा 6 से सीधा 8 पर पहुंच गया है। अब तक 4 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। ताजा मामला गुरुग्राम में तैनात एक हरियाणा पुलिस के जवान जो कि भवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव तिगड़ाना निवासी है, दूसरा एक महिला में मिला है जो कि गुरुग्राम के भवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव रिवाड़ी खेड़ा में आई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा है। गुरुग्राम पुलिस जवान के लिए गुरुग्राम एसपी को स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी मुहैया करवा दी है। महिला मूल रूप से खंडासा गांव की रहने वाली है। इन दिनों अपनी बेटी के घर पर आई हुई थी। भिवानी में लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिला के भवानी खेड़ा क्षेत्र के दो गांव में आज 2 नए मरीज और आए हैं। दोनों ही गुरुग्राम के संपर्क से बताए गए हैं। एक मरीज जो कि मूल रूप से तिगड़ाना का निवासी है और गुरुग्राम पुलिस में तैनात है, इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इसने भवानी फ्लू कॉर्नर पर अपनी जांच करवाई। आज सुबह ही इसकी रिपोर्ट आई है। महिला जो कि रेवाड़ी खेड़ा गांव में आई हुई थी, वह गुरुग्राम से आई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल में उसकी जांच रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि भिवानी में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। उनके परिवार के लोगों को भी जांच की जाएगी। हाँ, एक 51 ईयर ओल्ड की रामरति देवी नाम की एक महिला है जो गुड़गांव से ट्रेवल हिस्ट्री है, झारसा गांव से। हमने सैंपलिंग करवाई थी, रैंडम सैंपलिंग 21 तारीख को रात को हमारे पास रिपोर्ट इसी हुई है जिसमें पॉजिटिव आई गई है। और कहाँ कहाँ मिले? एक हमारा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस का जवान है, तिगड़ाना गाँव का रहने वाला, उसकी भी हमने यहाँ रैंडम सैंपलिंग में चांग में सैंपलिंग करवाई थी, वो भी पॉजिटिव निकला है। हमने SHO CL फेस 1 गुड़गांव और SV गुड़गांव का हमने इंटीमेट कर लिया। सर, रामरति के और इसके कितने परिजन और साथ में आए अपने आइसोलेट किए हैं? अभी हमने रामरति के 7 क्लोज कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेशन में शिफ्ट करवा रहे हैं, बाकी अभी इसके बाद हम तिगड़ाना से शिफ्ट करवाएंगे। रेवाड़ी खेड़ा में रामरति नाम की महिला है जो खांडसा गांव में रहती है, उसकी बेटी यहां शादीशुदा है। तो 21 तारीख को वो यहां पर आई थी, जो यहां पर आने पर उसका सैंपलिंग कराया गया जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई है। दूसरा तिगड़ाना गांव का मोहित है जो DLF फेस 2 में कॉन्स्टेबल के पद पर ताना था, वो भी 21 तारीख को आया था, उसने भी सैंपलिंग कराई, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन आज वो गांव में ना होकर के गुड़गांव ही है, जहां उनके थाने के SHO और संबंधित विभाग पुलिस विभाग को हमने सूचित कर दिया है। तो आज कितने आइसोलेट किए हैं सर यहाँ रेवाड़ी खेड़ा से? अभी यहाँ रेवाड़ी खेड़ा से इनके परिवार के सारे सदस्यों को आइसोलेट बियाणी में कर दिया गया है और जो रामरति थी उसको भी कर दिया गया है। पूरे गांव को नाकाबंदी कर दी गई है, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा, सरपंच को आदेश दे दिया है, पूरे गांव को सैनिटाइज करेंगे और जितने भी इनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनके सभी के सैंपलिंग कराएंगे। सर, तिगड़ाना के भी परिवार के सदस्य को आइसोलेट किया गया? हाँ, उनको भी करेंगे और उनकी भी सैंपलिंग कराएंगे, परिवार के सदस्यों को भी और गाँव को भी करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.